स्वागत सतबार है तुम्हारा, सतबार है तुम्हारा अभिनंदनीय स्वागत सतबार है तुम्हारा, सतबार है तुम्हारा अभिनंदनीय स्वागत। अपने न पास धन है कोई, नई रतन है सर्व सुफूल है ये, इनमें ही तन है मन है, इनमें ही तन है मन है, स्वीकार कर लो अर्पित यह हार है हमारा, यह है हमारा हे वंदनीय स्वागत सतबार है तुम्हारा, सतबार है तुम्हारा अभिनंदनीय स्वागत। पलके बिछाए हमने कोमल तुम्हारी राह में, हमने बसाया तुमको मन में हृदय में चाह में, मन में हृदय में चाह में उतरा है आज जीवन में भोर का उजाला, में भोर का उजाला हे वंदनीय स्वागत सतबार है तुम्हारा, सतबार है तुम्हारा अभिनंदनीय स्वागत। बरसों की लाल साथी था चाहता यही मन, आवे कभी किसी दिन श्रीमान देने दर्शन, श्रीमान देने दर्शन आए जो तुम तो चमका सौभाग्य का सितारा, सौभाग्य का सितारा हे वंदनीय स्वागत सतबार है तुम्हारा, सतबार है तुम्हारा अभिनंदनीय स्वागत सतबार है तुम्हारा, सतबार है तुम्हारा अभिनंदनीय स्वागत। स्वागत सतबार है तुम्हारा, सतबार है तुम्हारा अभिनंदनीय स्वागत, सतबार है तुम्हारा, सतबार है तुम्हारा अभिनंदनीय स्वागत। अपने न पास धन है कोई, नई रतन है सर्व सुफूल है ये, इनमें ही तन है मन है, इनमें ही तन है मन है, स्वीकार कर लो अर्पित यह हार है हमारा, यह हार है हमारा हे वंदनीय स्वागत सतबार है तुम्हारा, सतबार है तुम्हारा अभिनंदनीय स्वागत। पलके बिछाए हमने कोमल तुम्हारी राह में, हमने बसाया तुमको
आज जीवन में भोर का उजाला, में भोर का उजाला। हे वंदनीय स्वागत सतबार है तुम्हारा, सतबार है तुम्हारा। अभिनंदनीय स्वागत बरसों की लाल साथी था, चाहता यही मन आवे कभी किसी दिन श्रीमान देने दर्शन, श्रीमान देने दर्शन। आए जो तुम तो चमका सौभाग्य का सितारा, जिस सितारा उपाधि परछिन्न देह में आदि, वहां से उठो जागो और प्राप्त करो। स्वता नहीं बरान निबोधत, बरान प्राप्य आचार्य की शरण प्राप्त करके इस उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित उस आत्मस्वरूप को प्राप्त करो। यही इसी उपनिषद का ये उद्घोष है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने बहुत जोर दिया, उठो जागो। नचिकेता के तीन प्रश्न हैं, तीसरा प्रश्न आत्मकल्याण के लिए है, जो सत्य है, जो परम सत्य है, उस परम सत्य परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए उपनिषद है। संभवतः अभी तक जितने हमारे प्रकाशित ग्रंथ हैं उसमें सबसे ज़्यादा पृष्ठ संख्या है। कलेवर से भी सुंदर है और शास्त्र के गहनतम भाव से भी अच्छा है। कई बार इसका ट्रांसलेट होने के बाद में इसकी कई बार प्रूफ रीडिंग हुई, कई लोगों ने इसको पढ़ा, बीके सिंह और सुशांत करके, सुशांत बक्स फाइनल हुआ। आप लोग जो लोग अंग्रेजी वाले हैं उनके लिए तो अद्वितीय ग्रंथ होगा, और जो अंग्रेजी नहीं पढ़े लिखे हो आपके बच्चों के लिए काम आएगा। दोनों बात से यह श्रेष्ठतम ग्रंथ है। बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हो, से कठोपनिषद का लोकार्पण हुआ। इंग्लिश पढ़ने वाले जो छोटी कक्षा के भी लोग भी हैं, सामान्य अंग्रेजी भाषा जानते हैं, उनको भी यह समझ में आएगा। भाषा को बहुत क्लिष्ट नहीं किया गया है, बहुत ही सरलतम तरीके से अनुवाद किया गया है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ऐसा कोई घर न रहे जिस घर में ये उपनिषद हमारा न पहुंचे। वंदनीय स्वागत सतबार है तुम्हारा, सतबार
करो, जिसको जहाँ मिले जगह वहीं बैठ जाओ, दोनों साइड में जगह है, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, अपनी जगह पर खाली जगह ना रखो, बीच में बैठ जाओ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। मंच पर विराजमान परम प्रेमास्पद स्वामी जगदानंद सरस्वती जी महाराज, प्रिय वृंदावन से पधारे भावधारा में रहने वाले दिव्य चेतन जी महाराज, समुपस्थित सभी मेरे अपने ही आत्मस्वरूप, एक चीज का तो गौरव महसूस होना चाहिए आपको, एक अभिमान बुरा है स्वाभिमान अच्छा है, बहुत जरा सा अंतर होता है। गौरव इस बात का कि हम उस धर्म में हैं जिसमें मरे हुए को नहीं पूछते, अगर आप गुरु तत्व की भी पूजा करते हो तो हम व्यास जी को चिरंजीवी मानते हैं, अश्वत्थामा बलि व्यास। और अद्य पर्यंत जितने संत महापुरुष हुए हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः, जब वही परमात्मा है तो वो मरते नहीं, गुरु तत्व कभी मरता नहीं, तो हम मरे हुए की पूजा नहीं करते, हम नित्य नूतन का अभिनंदन करते हैं। और लोग मरे हुए को पूछते होंगे उनका ईस्टर डे है कि कोई और दिन है, कभी। और मरे हुए को आप पूजोगे तो आप भी मर जाओगे, इतनी तो बात है, मरे हुए को पूजोगे तो आप भी मर जाओगे,
जब वो खुद मर गया तो आप भी मर जाओगे। हम उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी शरण में हैं, जो सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप हैं, सत घन, चित घन, आनंद घन। चाहे वो शरीर में दिखे और चाहे शरीर में ना दिखे, फिर भी प्रतिक्षण वो हमारे सम्मुख हैं, वही आत्मस्वरूप, हम उसकी आराधना करते हैं। हम अपनी उस गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता का भाव हो, हमारे हृदय की सारी वृत्तियां अपने उस गुरु तत्व के प्रति समर्पित हो, जिसकी जितनी श्रद्धा होगी उसको उतने प्राप्त भी होता है। ये भी आप ध्यान रखना, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम भी हैं भगवान कृष्ण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन और उद्धव अपना गुरु रूप में स्वीकार करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र तो नहीं स्वीकार कर पाता ना। तो भले भगवान सामने हो उनके और 11 क्षौणी सेना है, लेकिन फिर भी कन्हाई से वो 11 क्षौणी तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। भगवान राम से लक्ष्मण जी ने ज्ञान प्राप्त किया होगा, विभीषण ने प्राप्त किया होगा, लेकिन उनके सामने तो पूरा का पूरा रावण का दलबल है, खरदूषण की 14,000 की सेना है, वो तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए। अगर आपको कहीं से ज्ञान प्राप्त होता है तो आपके हृदय में जो प्रबल श्रद्धा है वही आपको तत्व बोध उपलब्ध करावेगा। आप कह सकते हो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हम देहात में कहते थे, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देव और नहीं तो मानो तो देवता है और नहीं मानो तो एक पत्थर है, पत्थर है। हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारे भीतर की पात्रता ही हमको उस ज्ञान की प्राप्ति कराता है। रामकृष्ण परमहंस उनके 12 शिष्य हुए, 12 शिष्य हुए। कैंसर हुआ था रामकृष्ण परमहंस को, उस जमाने में कोई इलाज नहीं था, छूत का रोग मानते थे। यहां तक कि दक्षिणेश्वर के मंदिर में जहां रहे थे वहां पर भी अंतिम समय में रहने को नहीं मिला, वहां से निकाल करके कहीं एक आम का बगीचा था वहां रखा गया, उसमें एक कमरा बना था। उस समय विवेकानंद नाम नहीं था, नरेंद्र ही नाम था। 12 गुरु भाई थे और जिस समय वो गले का रोग, कैंसर, दर्द होता था, कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उस समय छूत का रोग मानते थे। इतने सालों पहले हमको भी हो जाएगा। एक समय पर रामकृष्ण परमहंस को खांसी आई, कमजोर हो ही गया था शरीर, लेटे लेटे खांसा और खांस कर उसके जब बलगम निकला थूके तो नरेंद्र ने अपने हाथ में ले लिया हाथ, जो उनके गुरु भाई लोग थे उनके सामने ही उसको जो है चाट लिया, क्योंकि डर, सब डरते थे कि छूत का बीमारी है, कहीं हमको न लग जावे, अगर छूत की बीमारी लगनी होगी तो पहले हमको लगेगी। ऐसी गुरु निष्ठा, फिर बाद में वही स्वामी विवेकानंद बनते हैं ना। आज जिस शहर में जाओगे 10 विद्यालय मिल जाएगा विवेकानंद के नाम से, इतनी निष्ठा तो हो। और आपकी भावना ही आपको आगे बढ़ा ले जाती है, आपके भीतर की निष्ठा, आपके भीतर की श्रद्धा।
जिसकी जितनी पात्रता, हम कहते हैं गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, जिसका जितना बड़ा पात्र होगा उतना जल लेकर के घर आ जाएगा। एक लुटिया में भी जल ला सकता है और 5 लीटर की केन में भी जल ला सकता है, जिसका जितना बड़ा पात्र होगा। जीवन में कभी किसी पर दोष मत दो। अगर आप वास्तव में समझदार हो और मेरी दृष्टि से कुछ चलना है तो मैं सत्य कहूं, आप किसी को जीवन में दोष मत दो। हमको जो परिस्थिति प्राप्त है, जो हमको जो चीज हमको प्राप्त है, उसका हेतु मैं स्वयं हूं। इस जन्म का या पूर्व जन्म के कर्म, ऐसा कह लो जिसको प्रारब्ध भी कह रहे थे, लेकिन मूल हेतु मैं स्वयं हूं। हमारी निष्ठा गुरु जी के प्रति है, हमारी निष्ठा भगवान के प्रति है, तो भगवान प्रारब्ध को बदल भी देते हैं। अभी भी जैसे चर्चा चल रही थी, बिल्कुल सही, बदला जा सकता है। भाला लगना था, कांटा चुभ गया, भाला लगना था, कांटा चुभ गया। कारण को अमोघ शक्ति बाण मिला था, जिसकी कोई काट नहीं थी, वो तय था कि अर्जुन को मारेगा इसी बाण से। भगवान ने लीला किया और उस वो अमोघ शक्ति बाण जाकर के घटोत्कच पर पड़ गया, अर्जुन की रक्षा हो गई। क्यों? रथ की, रथ के सारथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। यही प्रारब्ध है, यही प्रारब्ध है। बाण चलाया है और था कि हां अब अर्जुन गया, अब अर्जुन मरा, ऐसा ऐसा दिव्यास्त्र चलता है। और भगवान ने ऐसे पांव से रथ को दबा दिया, जोरों से दबाया, जो रथ था करीब कहते हैं एक धनुष नीचे जमीन में घुस गया और वह अमोघ बाण छत्र को काटता हुआ चला गया। अर्जुन की रक्षा हो गई। कब? जब मेरी निष्ठा है, मेरी निष्ठा है भगवान के प्रति, तो भगवान भी मेरी रक्षा करने के लिए तैयार है। गुरु, इस शरीर को गुरु नहीं समझते हम, बार बार आप समझते हो। आपका शरीर उपहित जो चेतन है वही जीव है, आपका अंतःकरण उपहित चेतन ही जीव है, मन उपहित चेतन ही जीव है। जैसे हम कहेंगे बल्ब में जो बिजली है, बल्ब उपहित बिजली ही बिजली है, अब चाहे 0 वाट का हो चाहे 500 वाट का हो, आपका शरीर से उपहित चेतन ही जीव बन के बैठा है। तो गुरु का शरीर उपहित चेतन ही ईश्वर है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। गुरु शरीर नहीं होता, शरीर बुद्धि रखोगे तो आप बहुत स्थूल बुद्धि वाले हो गए। वेदांत के सत्संग में आकर के खूब पक्का समझो, गुरु गुरु शरीर नहीं होता, शरीर उपहित चेतन ही गुरु होता है। और जब आप कभी गुरु की सेवा करते हो तो शरीर की सेवा माध्यम है, आप उस चेतन की सेवा कर रहे हो तो कृपा भी उस चेतन की प्राप्त होती है। पूज्य गुरुदेव, जिनकी करुणा कृपा हम पर रही, मैं खूब जानता हूं, अनुभव किया कैसे, इतना लायक में नहीं था जितना उन्होंने मुझ पर करुणा किया। उस समय पर गुरुदेव किसी भी शहर में कार्यक्रम नहीं देते थे, ज़्यादातर 6 महीना बाहर रहते थे, 6 महीना में 4 महीना साउथ रहते थे। उत्तर भारत में तो जो है कानपुर में समय नहीं दिया करते थे, इलाहाबाद समय कट गया था, लखनऊ समय कट गया था, देते नहीं थे। लेकिन जब मेरा यहाँ पर भेजा गया, ट्रांसफ़र हुआ भोपाल से यहाँ लखनऊ, हमको एक किसी ने जो उस समय चिन्मय मिशन का CEO था मिस्टर रंगनाथन, उन्होंने हमको मना किया था, मिस्टर सोनक तुम लखनऊ मत जाओ, लखनऊ इज अ डेंट सेंटर। खैर मैं आया,
और गुरुदेव की ऐसी कृपा कि उसी साल गुरुदेव ने यहाँ सत्संग का समय दिया, गुरुदेव ने सत्संग का समय दिया, गुरुदेव यहाँ पर आए। दो साल में चिन्मया मिशन में लखनऊ रहा, दोनों साल गुरुदेव ने समय दिया। जिनकी बेटी, जिनका बेटा, जिनका पूरा परिवार गुरुदेव की सेवा, बेटी गुजरात से, एक बेटी बंबई में, गुरुदेव की सेवा में लगे रहते थे, उनके घर पे गुरुदेव रुका करते थे दसियों साल से, उन माताजी को जो है, मैंने जरा सा जो है हमसे उनका तूतो मैं हो गई, कोई बात हो गई, हमने उनको जो है कमेटी में पैटर्न मेंबर बना दिया एज अ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट से, और मैसूर में हमने गुरुदेव को दिया, हमने कहा ऐसा कर रहे हैं। गुरुदेव ने लेटर देखा, वो अच्छा मैडम को बाहर, और साइन कर दिया गुरुदेव ने। ये मेरे अनुभव है। हमने कहा गुरुदेव इस बार आपको वहां नहीं रखना है, दसियों साल से आप वहां रहते थे, इस साल आपको वहां नहीं रखेंगे, हम नए जगह पे रखेंगे। और पीलीभीत हाउस नाम का घर जहाँ पर सब राजे रानी लोग उसमें थे, गुरुदेव ने मेरी बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जहाँ तुम चाहो मैनेज करो। गुरुदेव की कृपा मुझ पर रही। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में उस समय पर बहुत कम, कभी सुबोधानंद जी को, कभी तेजो मैनन जी को, कभी ऐसे लोगों को समय देते थे। हमको लखनऊ में सवेरे की क्लास हमको दिया, शाम को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, शाम को मौती महल में केवल एक क्लास, सवेरे की क्लास तुम पढ़ाओगे। एक गुरुदेव की कृपा मुझ पर रही, उनकी करुणा रही, और उनकी कृपा अभी भी है, प्रत्यक्ष है। हमारे चिन्मय मिशन में से निकले हुए करीब 250 महात्मा बाहर हैं, करीब 500 लोगों को गुरुदेव ने महात्मा बनाया, करीब 250 बाहर होंगे चिन्मय मिशन छोड़ के गए हैं, जिनमें केवल दो महामंडलेश्वर हैं, केवल दो महामंडलेश्वर हैं, एक बंबई के पढ़े हुए निरंजनी अखाड़े से हैं और एक अभयानंद आपके जो है निर्वाणी अखाड़े, केवल दो महामंडलेश्वर हैं। और वो ऋषिकेश में रहते हैं, हम हरिद्वार में रहते हैं, अभिषेक क्षेत्र, बस दो ही हैं। गुरुदेव की कृपा हम पर तब भी थी, अभी भी है, बनी है, बनी रहेगी। अब ये जो अजस्र धारा है कृपा की, मैं उसका अनुभव करने वाला हूं। ये अजस्र धारा मेरी तरफ से, मैं कभी इसमें रोड़ा नहीं लगाऊंगा, कभी इस पर कोई बांध प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा, मेरी तरफ से ये धारा प्रवाहित रहेगी आप सब की तरफ, बस जिसकी जितनी सामर्थ्य है। अब कोई भाई, कोई गंगा जी के किनारे जाके भी गंगा में स्नान ना करे तो उसकी मेरी क्या जिम्मेदारी है। हमने कभी पढ़ाने में कोताही नहीं किया, समझाने में, जब मैं जंगल में भी रहता था तब भी केसरी शुक्ला प्रमोद वगैरह वेद जी उस जमाने में इतनी सेवा करते थे आकर के, रामानंद जी आज से नहीं 95 होगा, 93-94 से रामानंद जी वेद जी उस समय पर, अनंतानंद तो इतना सा था, चौथी पांचवी में पढ़ रहा होगा, जो भी रहा हो क्लास, पांचवी छठी में रहा हो, तब के हमारे भगत हैं, बीके सिंह वगैरह बात के हैं। जंगल में भी मैं पढ़ाता था, ये लोग चार ही लोग बैठ के पढ़ते रहे होंगे। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं, कमी होगी तो आपकी तरफ से होगी, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं, ना हम आपको ज्ञान देने में कमी रखेंगे, ना कृपा करने में, दोनों बातें, बस वही है। एक संत के पास कोई भगत आया, महाराज बहुत दरिद्र हूं क्या करूं, संत ने एक पोटली में लेके आए, ले ये पारस पत्थर है, जिस लोहे को छुआएगा सोना बन जाएगा, जिस लोहे को छुआएगा सोना बन जाएगा, बहुत बढ़िया, अब क्या कहना, अब तो दरिद्रता तो नामो निशान नहीं। वो घर गया, महीना भर बाद फिर भूखा, फिर आया गुरुजी, भूखो मर रहा हूं महाराज। गुरुजी ने कहा, अरे पागल, भूखो मर रहा है,
महीना भर पहले तुझको मैंने दिया था, उसने कहा तमाम लोहों को छुआया, कोई पारस नहीं बना, कोई सोना नहीं बना, आपने नकली पत्थर दिया। महात्मा ने कहा चल ले या तो थोड़ा चेक तो करूं, कहीं गलती से दूसरा तो नहीं चला गया। ले आया उसने, तो जैसे महाराज जी ने दिया था वैसे लेके चला गया, तो वैसे ले आया। महाराज जी ने उसको पोटली खोली कपड़े की और उसको एक लोहे से छुआया तो सोना बन गया, देख बन गया। उसने कहा महाराज ये पोटली खोलनी भी थी, ये तो हमको पता ही नहीं था। हम तो जैसे आप दिए थे वैसे छुआ रहे थे। तो बीच में वो पोटली में जो एक कपड़े का पर्दा पड़ा है उसी से काम हमारा फिर नहीं बनता, वही अहंकार अभिमान का पर्दा पड़ जाता है। मैं कुछ खास हूं, मैं विशिष्ट हूं। ये विशिष्टता से तो आप जीव बन गए, अपनी विशिष्टता की पहचान के कारण आप जीव बन गए, क्योंकि मन की उपाधि को धारण कर लिया, बुद्धि की उपाधि को धारण कर लिया, मन की मान्यताओं को अपना मान लिया। समस्त विशिष्टताओं को किनारे कर दो, विशेष रूप में केवल एक ब्रह्म बचता है और कुछ है ही नहीं। आप जब जब विशेष बनना चाहते हो, कुछ खास, बस वहीं वहीं आप एक पर्दा में आ गए। सरल स्वभाव नमन कुटलाई, जब कभी आप विचार करो तो इसको हम कहते हैं भावना त्रयांश। एक शब्द शास्त्रीय सुन लो, भावना त्रयांश, तीन तरीके की भावना होती है। भावना त्रयांश माने कोई भी विषय हो तो उसमें तीन शब्द ले आओ, तीन अक्षर ले आओ सबसे पहले, और उसी के आधार पर विचार करो, आपको सब स्पष्ट होता चला जाएगा। किम पहला है, किम, दूसरा है केन, तीसरा है कथम। बस किम केन कथम, ये तीन चीज, इसको हम कहते हैं भावना त्रयांश। ये हमारे कुंजी है, वो जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते ना पूरे साल, उस आखिरी दिन कुंजी वगैरह की खरीद लेते हैं। ये आपका की है ताला के खोलने का, किम केन कथम। किम माने क्या, वो क्या है, कठोपनिषद में यही आएगा, नचकेता पूछता है वो क्या है, किम जो मरने के बाद बचता है वो क्या है। अगर आपके भीतर ये क्या जिज्ञासु का भाव नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। क्या है ये शरीर छोड़ करके आपको जाना है, हमेशा नहीं रहोगे, कोई रहा नहीं है, कोई नहीं रहा है, आप भी नहीं रहोगे, थोड़ी सी जिंदगी है, बहुत चली गई थोड़ी बाकी है, कुछ आगे का भी जतन कर लो, कुछ आगे का भी विचार कर लो। उसके लिए आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा। आप अच्छे हो, पुण्य करते हो, यज्ञ करते हो, पूजा करते हो, गंगा जी स्नान करते हो, दान करते हो, अच्छे हो, पुण्यात्मा हो, तो आपको स्वर्ग मिलेगा ना। आप देखो क्या में विचार करो, अगर आप अच्छे हो, आप अच्छे हो तो पुण्यात्मा हो, यज्ञ करते हो, सत्यनारायण की कथा सुनते हो, किसी की बुराई नहीं करते हो, निंदा नहीं करते हो, तो आप अच्छे हो, पुण्यात्मा हो, तो आप पुण्य की पूंजी लेके जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, और स्वर्ग में भी पुण्य का भोग खत्म हो जाएगा तो वापस आना पड़ेगा। फिर से बुरे होते तो यहां आते ही नहीं, आप अगर खराब होते तो यहां पर क्यों आते हमारे पास में, वेदांत के सत्संग में, वेदांत वाले गुरुजी के पास में क्यों आते आप। हाँ, तो वो नरक वाला रास्ता बंद है आपका, बिल्कुल नहीं जाओगे। मैं शास्त्र बल से कह रहा हूं, ब्रह्म सूत्र और बृहदारण्यक श्रुति के आधार पर कह रहा हूं, छांदोग्य उपनिषद के बल से कह रहा हूं, नरक वाला रास्ता बंद है आपका। रावण भी नरक नहीं गया तो तुम कैसे जाओगे, रावण नरक नहीं गया जी, क्योंकि भगवान का आमना सामना तो हुआ है, तो अब आपका नरक वाला रास्ता तो बंद हो गया, अब आपके सामने बस यही हो गया, कौन सा,
या तो पुंड की पूंजी लेके स्वर्ग जाओ और या तो ऐसी दृष्टि प्राप्त करो कि आपका आना जाना ही समाप्त हो जाए, बस और कोई उपाय नहीं है बाप का। आप अगर दीक्षा ले लिए, जाप करते हो, गीता उपनिषद घर में रखते हो, पढ़ते हो, कभी कभी जब भी समय मिले सत्संग आदि सुन भी लेते हो, निश्चित रूप से समझो जैसे पानी वगैरह होता है ना तो एक गेट वाल लगता है हैंड पंप में, वो जितना पानी नीचे से वो जब ऐसे हैंड पंप चलाते तो ऐसे खुलता है और जितना पानी ऊपर आ जाता है तो गेट वाल ऐसे बंद हो जाता है। ध्यान है कभी किसी का ऐसा होता है? तो जितना पानी ऊपर उठ गया वो नीचे नहीं जावेगा। तो आपकी अगर इतनी साधना है तो अधोगति तो खत्म, वो रास्ता तो बंद, लेकिन अभी पुंड की पूंजी इकट्ठी हो रही है आपकी, संत का दर्शन होता है आपको, गाहे बगाहे आपका चित्त जरूर चाहेगा। आप टीवी भी खोलोगे तो भूले भटके कोई ना कोई धार्मिक चैनल वाला ढूंढ करके देखोगे कौन सा महात्मा वेदांत का सुना रहा है, भले ना मिले टीवी पर नहीं मिला तो भी आप एक बार खोजोगे तो टीवी पर कि कोई महात्मा जो कोई वेदांत का सत्संग सुना रहा हो। बहुत सारे लोग आजकल हमारा जो महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती के नाम से यूट्यूब पर है, बहुत सारे लोग सत्संग सुन रहे हैं इस समय। एक बार अभी की बात बताऊं, मैंने सोचा था कि इस शहर में हमको कोई पहचानता नहीं होगा, मैं बहुत खुश था, अपनी मर्जी से कोई पहचाने ना तो बड़ी खुशी होती है, अपनी मर्जी से जी सकते हो, और जहाँ 10 भगत हो वहाँ फिर आपको ऐसे बैठना पड़ेगा, फिर पूजा करवानी पड़ेगी। तो किसी जगह पर मैं गया तो वहाँ पर हमने सोचा कोई नहीं पहचान रहा होगा, फिर खैर वो बात अलग। एयरपोर्ट पर जैसे हम बाहर निकल रहे थे तो 3 लोग आए, एक पति और 2 पत्नी आकर के हमको प्रणाम किए और मास्क लगा हुआ मेरे मुंह पर। हमने कहा कौन? उनका स्वामी जी आप स्वामी अभयानंद सरस्वती तो नहीं है? हमने थोड़ा सा फिर मास्क हटाया, मैंने कहा आप कहाँ से? उनका मैं अमेरिका में कैलिफोर्निया से आया हूँ, और उन्होंने कहा कैलिफोर्निया से आया हूँ और मैं आपका यूट्यूब पर सत्संग सुनता हूँ आपका जो है। हमने कहा पहचाना कैसे? उन्होंने कहा मस्तक देख के पहचान गए। हमने कहा आप कैसे बचाऊँ, कुछ है मस्तक में कि मेरे क्या? उन्होंने कहा आपकी ये आँख खुली थी इससे मैंने पहचाना है। तो अगर आप सत्संग सुनते हो तो मेरा कहना है कि आपका नीचे वाला जाने का रास्ता खत्म हो गया, नहीं जाओगे अब आप, शास्त्र के आधार पर है। बस ये है कि आपके पास अब दो ही विकल्प बचा है, दो ही विकल्प, या तो पुंड की पूंजी लेके स्वर्ग जाओ और भोग करके फिर से आओ, और या तो उस तत्व को जान लो। किस तत्व को जान करके हम मुक्त हो जाते हैं? तस्मिन् नो भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम, क्या है वो तत्व? क्या है पहला विषय है क्या, जिज्ञासा करो। दूसरा है केन, किसने जाना, किसके द्वारा ये बताया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। केन माने किसके द्वारा। तृतीय है एक वचन, कैसे रूप चलेगा? कहा कौ तृतीया एक वचन है केन, किसके द्वारा। सावधान रहिए आप अपने जीवन में, आप किसके द्वारा गाइड किए जा रहे हो, आपको कौन सलाह दे रहा है, किसके द्वारा विचार दिया जा रहा है जिसको मान करके आप दुनिया में चल रहे हो, किसके द्वारा। श्रुति भगवती कहती है, वेद में आया एक नहीं धड़ाधड़ न जाने कितनी बार, तदप्येष श्लोको भवति,
इति सुश्रुम धीराणाम ए नस्तद व्याच चक्षिरे। ये जो मैं श्रुति भगवती कहती जो मैं कह रही हूं ये अमुक अमुक ऋषियों ने बताया है। क्यों कहा, क्यों उद्धरण दिया? ये जो ब्राह्मण भाग में कहा गया है, ब्राह्मण भाग में कहा गया कि अन्नमय अन्नमय शरीर ही एक अन्नमय कोष है, तो श्रुति भगवती कहती इसी बात में एक श्लोक है, मंत्र भाग में है, तदप्येष श्लोको भवति। क्यों, किसके द्वारा, किसकी सलाह के द्वारा आप चलाए जाते हो? ज्ञानी की सलाह की अज्ञानी की कल, किसकी सलाह मानते हो आप? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है? समझ में आ रही बात कि नहीं? एक कोई बहुत बड़े पदाधिकारी एक किसी पार्टी के हरिद्वार हमारे पास आए, मैं बैठा था, शायद यहाँ भी आए हों, नहीं है तो हरिद्वार आए, हम बैठे और चाय वो पिलाए, उनके पूरे बच्चे, उनके बच्चे वगैरह थे, किसी पार्टी के बहुत बड़े अधिकारी। तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे पास तो आशीर्वाद दीजिए हमको, हमारे पास तो कितने सारे लोग टिकट वगैरह के लिए आते रहते हैं, हम सबको देखते रहते हैं। तो हमने कहा कुछ भी हो, हमने कहा देखो आप आशीर्वाद अपने परिवार के लिए मांग रहे हो कि आप उस राजनीति और पार्टी के लिए? तुमका सब के लिए, ये संसारी आदमी ज्यादा, आप लोग बहुत होशियार हो, इतना खर्चे में सब मिल जाओगे, हाँ सब के लिए। तो हमने कहा नहीं, ये हमारा सर्वाधिकार सुरक्षित है, आपके परिवार के लिए मेरा बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि आपका हमसे प्रेम ना होता तो ढूंढ के हमसे मिलते ना, बच्चों को लेके हमारे पास ना आते, पत्नी को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए, तुम्हारा प्रेम है, हाथ में कलाव बांधे हुए हो, जाके गंगा जी में स्नान किए हो, तो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारे परिवार के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है, लेकिन तुम्हारा जो जो राजनीति वाला विषय, जो पार्टी लाइन है, उसके लिए मैं आशीर्वाद कैसे दूं, क्योंकि तुम्हारी पार्टी लाइन की जो सिद्धांत है उससे मेरा विचार मेल नहीं खाता। देखो अब दोनों में भेद करना, बहुत सूक्ष्म जीवन है, बहुत सूक्ष्म जीवन है। तो आपके अब भगवान से, यहां तक कि दुर्योधन विजयी हो ये आशीर्वाद तो गांधारी तक ने नहीं दिया है। अब देखना महाभारत को पढ़िए, दुर्योधन प्रणाम करता है तो चिरंजीवी भव का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन वो कहता है चिरंजीवी भव नहीं चाहिए हमको, हमको ये आशीर्वाद दीजिए विजयी हूं। तो गांधारी तक उसकी दूसरे का क्या, गांधारी भी कहती है ये आशीर्वाद मैं कैसे दूं। देखो अब दोनों में बात में समझ में आ रहा ना, आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बिल्कुल आपको समझदारी पूर्वक समझना पड़ेगा। आशीर्वाद मेरा है, लेकिन आप सावधान रहो, आप किसकी सलाह मान करके चलाए जाते हो। महाराज श्री कहते थे, पूज्यपाद महाराज श्री, उनका शब्द था आप वासनावान वालों की सलाह मानते हो कि निर्वासन ब्रह्म की बात मानते हो? सीधा सीधा ऐसे कहते थे, संसार के आदमी कामना वाले हैं, वासना वाले हैं, वो लोग तुमको बता देते हैं, उन्हीं की बात तुम मान लेते हो और बाद में जीवन तुम्हारा संघर्षमय हो जाता है। किम केन, किसके द्वारा आपका जीवन संचालित हो रहा है? केन के, देखो किम का, किम को हमने लिया कठोपनिषद से, याद रखना, पूछा है ना नचकेता ने वो तत्व क्या, और केन को ले आओ कहां पर, केन उपनिषद में, ध्यान से समझना, केन कहां पर आ जाएगा, केन याद आया ना, केन केन उपनिषद, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणा प्रथमा प्रैते युक्तः केनेशितम वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। ये पूरा का पूरा एक कुंजी है आपको खोलने का, किसके द्वारा आप चलाए जा रहे हो,
आप संसारियों की बात मत मानना, आप सत्संगी भगवान शास्त्र की बात मानो। बार बार मैं कहता हूं शास्त्र आचार मेरे जीवन के गाइड हैं। संसारी वो फलनवा ऐसा बोल रहा था, ढमकवा ऐसा बोल रहा था, डूब जाओगे आप, अमुक ने ऐसा बोला, अमुक ने ऐसा बोला, जीवन आपका कष्टमय हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा इस संसार में, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप ही का जीवन अनर्थकारी हो जाएगा। उसने ऐसा बोला, वो कह रहा था, अरे वो भाड़ में गया, वो अपना जिंदगी नरक में डालता है, तुम क्यों डालो? किसके द्वारा चलाए जाते हो, शास्त्र आचार के अनुसार या संसारी के अनुसार? ठीक है, आगे बढ़ूं। किम केन, तीसरा ये भावना त्रयांश, इसका शब्द का नाम दिया था भावना त्रयांश, ये विद्वानों के बीच की बात है। कथम, कथम माने कैसे, कैसे वह जो तत्व है, अब मैं जानना चाहता हूं, पाना चाहता हूं, किसको? उस शांति को, उस आनंद को कैसे प्राप्त करूं, कैसे किसने पूछा? छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार आदि उनके पास जाकर के देवर्षि नारद ने पूछा, महाराज हमने सुना तरत शोकम आत्मवित, लेकिन कैसे, कैसे ज्ञानी शोक मोह को पार कर जाता है, कैसे उपाय क्या है? ये तीन शब्द आप अपने जीवन में हर जगह पर ले आओ, किम केन और तीसरा कथम, कैसे। अभी एक दिन शायद अभी मैं उपनिषद पढ़ा रहा था यहां पर, मुंडक उपनिषद सवेरे का सत्संग, तो उसी में शायद हमने कुछ कहा था कि ये शरीर अन्नमय कोष है, इस ए अन्नमय कोष इसमें जो है जन्म लिया है, बढ़ता है घटता है, एक दिन मर जाता है। इसके भीतर प्राणमय कोष है, प्राणमय कोष का धर्म है भूख और प्यास, ऐसे शायद बोला था, भूख और प्यास। मनोमय कोष है, उसका धर्म है संकल्प और विकल्प करना, वो संकल्प विकल्प करता है। विज्ञानमय कोष का धर्म है कर्तृत्व भाव, विज्ञानमय कोष में ही कर्ता भाव होता है, मनोमय कोष में कर्ता भाव नहीं होता। और आनंदमय कोष में, आनंदमय कोष में भोक्ता भाव होता है, जिसमें सुख की बात बताई गई, तस्य प्रियमेव सिरः मोद दक्षिण पक्षः प्रमोद उत्तर पक्षः ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। वहां पर आनंदमय कोष में आनंद होता है, उसके तीन पार्ट किया, प्रिय मोद और प्रमोद। आश्चर्य तो यह है कि पांचों कोष के निरूपण में दुख का तो कहीं जिक्र आया ही नहीं, दुख कहां है? मनोमय कोष में श्रुति ने कहा नहीं, मनोमय कोष में दुख नहीं होता, केवल संकल्प विकल्प होता है, संकल्प विकल्प है, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा। विज्ञानमय कोष में तो श्रुति ने कहा केवल कर्ता भाव होता है, क्योंकि ज्ञान के उपरांत ही कर्तृत्व का भाव आता है। आनंदमय कोष में बोले केवल भोक्ता भाव आता है, और वहां केवल सुख का भोक्ता है, दुख कहां है, दुख कहां है? महाराज सर ने कहा दुख बेवकूफी से निकला है। दुख निकला कहां से? आपकी अविद्या से, आपकी अज्ञानता से निकलता है। हरीशा ये तीन चीजें हैं, हर चीज में ले आओ। आपके सामने भोजन भी आता है, देखो भोजन भी आ गया, तब भी आप तीन तीन शब्द ले आओ, ये क्या है जो कटोरी में रखा है आपने? पूछते हो ना, ये कटोरी में जो रखा है हमने खाया नहीं, कौन क्या है, कौन सी सब्जी है, उसके बाद किसके द्वारा बना के लाई गई है, किसने बनाया? मैं पूछता हूं, कई बार पूछता हूं, बच्चे ने बनाया कि बहू ने बनाया कि सास ने बनाया, किसने बनाया, किसके द्वारा? और तीसरा फिर पूछोगे, अरे कैसे खाएं? अभी आज विदेश की चर्चा कर रहे हैं ना, वैसे विदेश में सत्संग हो चुका है, ऐसा मत कहना विदेश में सत्संग नहीं हुआ है। काठमांडू गए थे ना, काठमांडू में 7 दिन का कथा हो चुकी है ना, गए थे ना सब लोग, बहुत कितने लोग गए थे काठमांडू,
काफी लोग गए थे ना, तो विदेशे तो है काठमांडू, हाँ 100 काठमांडू में 178 लोग गए थे। बस इतना है कि काठमांडू को लोग विदेश समझते ही नहीं। जब तक ओ 7-8 घंटे जहाज में बैठे बैठे ना जाओ तब तक विदेश कहाँ। अब मॉरिशस जाओ तो 7 घंटे बैठे रहोगे ऐसे। बहुत बढ़िया। वैसे आज कोई प्रवचन का दिन नहीं होता, प्रवचन तो 10 दिन से हम रोज सुना ही रहे हैं यहाँ पे, उसके पहले हरिद्वार में सुना रहे थे और अभी फिर अनाउंस कर ही दिया कि 22 तारीख से फिर है, तो 22 तारीख से स्वामी जगदानंद अनुमति देंगे तो सवेरे यहाँ मुंडक उपनिषद, शाम को वहाँ पर। तो भाई से फिर पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का तो मैं पढ़ाते रहता हूँ, वो तो एक अलग बात है। तो आज कोई सत्संग का, आज सत्संग का दिन नहीं होता है, आज तो केवल आपकी एक हमारी अपनी, अपने गुरुदेव अपनी गुरु परंपरा के प्रति हमारी कृतज्ञता और श्रद्धा को अर्पित करने का दिन होता है। हमारी अपनी भावना है, हमारी अपनी निष्ठा है। एक बात आप सच्ची समझो, मैं आपको सरल हृदय से बता रहा हूँ, आपका प्रेम अपने बच्चे से है, छोटे बच्चे से आपका प्रेम है, अपने छोटे बच्चे से प्रेम है, अपने पति पत्नी से प्रेम है, मान लो आपका दिल उनको सजाने का करता है कि नहीं, अच्छे कपड़े पहनाने का करेगा कि नहीं। आपका बच्चा है, आपकी पति है, आपका पत्नी है, कहीं जाना है पार्टी में, आप लोग कई बार टोका टोंकी करते हो ना कि ए वाला कपड़ा ठीक नहीं, दूसरा वाला पहनो, क्यों चाहते हो? दिल करता है कि हमारा जो है अपना वो थोड़ा ठीक ठाक सजा संवरा रहे। तो ऐसे अगर आप भगवान को गुरुदेव को सजाए संवारे रखोगे तो भगवान आपको सजाए संवारे रखते हैं जी। ये मेरी अनुभूति है, ये मेरा अपना अनुभव है। हम अपने गुरुदेव के लिए जब विग्रह स्थापना की बात आई तो हमारे दिल्ली के सतीश पांडे जी ए और हम गए जयपुर में, ढूंढा जयपुर में सबसे जिसको कहते टॉप मोस्ट पांडे मूर्ति भंडार, पांडे मूर्ति भंडार नंबर 2 का काम वो करता ही नहीं। हाँ, नंबर 2 का काम नहीं करता, बेल्जियम मार्बल का काम उसके यहाँ नहीं है, झीरी का काम बिल्कुल नहीं करता। वो सब लोग वो केवल पत्थर वाले ही समझ सकते हैं। जितना हमारा विग्रह है, इतना बड़ा विग्रह हम 50,000 में भी मिल सकता था। पांडे जी ने कहा नहीं गुरुदेव, इसमें कोई कंजूसी हम नहीं करेंगे। और गुरुदेव की जो है वो इन्होंने वहीं पर सबसे बढ़िया टॉप क्लास का जिसको कह सकते हैं, आज 5-6 साल हो गया होगा गुरुदेव का विग्रह स्थापित, कितने साल हो गए? हाँ, आप विग्रह गुरुदेव भगवान को देखो ज्यों का त्यों, आप पीछे टार्च लगाओगे तो शाइनिंग आती है, वो जो प्योरिटी की बात होती है। तो गुरुदेव ने इनको भी सजा दिया, इनके बेटे बहू को, दामाद को, इतना बढ़िया घर हम देख के आए, गृह प्रवेश करके आए कि उतना बढ़िया घर तो हमको लगता है। हाँ, तो और इनको, इनके 2 बार रिटायर हो चुके हैं और फिर नौकरी कर रहे हैं। हाँ, 2 बार रिटायर हो चुके हैं, पेंशन भी मिलती है और फिर भी नौकरी कर रहे हैं, क्या ईश्वर की कृपा है? आप परमात्मा के लिए कर, अब कोई जरूरत नहीं थी, हमको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वरुण जी का ध्यान रहता है गुरुदेव के लिए ऐसा करना है। हमारे पास गाड़ी तो पहले भी थी, नहीं गुरुदेव के लिए ए वाली गाड़ी चाहिए, गुरुदेव के लिए ए वाला चीज चाहिए। आज नहीं, हम आगरा में बैठे थे, आगरा तो हम जानना भी बंद कर दिए 15-20 साल से। आगरा में बैठे थे, उस समय तो फैक्ट्री भी ज्यादा नहीं चलती थी, शुरुआती दौर था। और उसी समय इन्होंने कहा गुरुदेव लैपटॉप खरीदने का मन है, एक आपके लिए एक अपने लिए, कौन सा खरीदे? आगरा की घटना थी और वहीं पालीवाल पार्क में फिर 2 लैपटॉप का जो है ऑर्डर दिया, HCL का, जिसकी पूरी मेमोरी 40 GB की थी शायद, और उसकी रैम थी 215 MB,
आप लोग कल्पना कर सकते हो उस जमाने में 215 MB की रैम थी और 40 GB की पूरी मेमोरी थी उस जमाने में। महाराज बड़ा शौक था उस जमाने में, वो लैपटॉप लेके हम ट्रेन में चलते थे तो लोग हमको घूर के देखते थे। तो परमेश्वर की कृपा से उनका जो है आज कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझते हो। आप भगवान के लिए करोगे, भगवान आप पर ध्यान रखेंगे। आप बार बार कहते हो सबरी के जूठे बेर खाए, लेकिन सबरी का भाव तो देखो कितना ध्यान रख रही, रोज जाती है झाड़ू लगाती है और बेर तोड़ के ला के रखती है। प्रभु के लिए करती तो है ना अपने सामर्थ्य के अनुसार, जब वो करती है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। जब सुदामा गए हैं तब भगवान ने कृपा किया ना, कि वहीं बैठे बैठे कृपा कर दिए भगवान ने। वहां बैठे बैठे तो वर्णन आएगा सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण थे, भगवान के एक मित्र सुदामा थे जो दरिद्र थे। क्यों? क्योंकि भगवान के पास गए नहीं थे, जब गए तब भगवान ने अपने जैसे बनाया ना। भाई आपको भी आप एक कथाओं से सीखो ना, सत्संग का मतलब है शिक्षा लो, शिक्षा लो, सीखो। आप अपने गुरुदेव के लिए करोगे, अपने गुरुदेव पर आपकी निष्ठा होगी। एक गुरुदेव शरीर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, शरीर उपहित चेतन वो तत्व है, वो चेतन प्रसन्न होगा। फिर वो चेतन जब आप पर कृपा बरसाएगा तो संभाले नहीं संभलता, हर दृष्टि से आपका ठीक हो जाता है, चाहे लौकिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, लोक परलोक दोनों अगर ठीक करना हो तो हमारी समझ में तो ये ही उपाय है, गुरु भक्ति के अलावा और कोई हमको रास्ता सुझाई नहीं पड़ता। मेरी अपनी भावना है आज कम से कम गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि आज भारतवर्ष में अगर कहीं चर्चा होती है कि कोई महात्मा जो वेदांत का स्वाध्याय वगैरह कराते हैं कौन कौन है, तो उसमें एक नाम मेरा भी अभयानंद का भी नाम आता है। भारतवर्ष में कह रहा हूं, विद्वानों में, विद्वत समाज में हाँ एक कोई अभयानंद नाम का भी है। बहुत बहुत महात्मा ऐसे हैं जिनको हम चेहरे से पहचानते नहीं, ना वो हमको चेहरे से देखते ना मैं उनको जान नाम से जानते। ये मेरी अपनी औकात नहीं है, मालिक नारायण आपकी कृपा है, उन्होंने दिया है, उनकी करुणा। कल ही किसी का फोन आया, परसों की बात है। परसों रात में हम कहीं गए थे तो रात में 8 बजे फोन आया, 7:30-8 बजे फोन आया, किसी श्रद्धेय महापुरुष का, आपको अमुक अमुक पद देने का हमने फाइनल कर लिया है, हम सब लोगों ने, हमारी मीटिंग हो चुकी है, अमुक अमुक पद पर आपको जो है रखेंगे। हमने कहा महाराज मैं ये लायक नहीं हूँ, इतनी योग्यता मेरी में नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊँगी। उनका योग्यता और आप लायक कितना इसकी पहचान आप थोड़े कर पाओगे, पहचानने वाला तो काफी जाता तो दूसरा ही है। अब क्या मैं जवाब दूं? और वो परसों आ रहे हैं, शायद 2-3 संत लोग होंगे, परसों यहाँ पर अपने आश्रम में आएंगे, कल नहीं परसों, तो परसों भी आप लोगों का न्योता है। आप लोग खुश, 2 दिन पूड़ी खाने को मिलेगी, है ना महाराज? नहीं नहीं और नहीं पता, तो परसों के दिन भी सबका न्योता है, परसों भी सबका न्योता है, जिसका मन हो आएगा, जिसका मन होगा ना आवे, आपकी मर्जी है, न्योता सबका है ना। मैं रहूँगा, कुछ संत लोग भी आ रहे हैं, तो अब दिव्य चैतन्य का तो पता नहीं, जगदानंद जी तो महाराज रहेंगे, आप कब? अच्छा आप भी रहेंगे तो परसों भी रहना होगा। मैं बार बार कहता हूँ आश्रम की सेवा, आप आश्रम की सेवा मान के मत करो, एक गुरु सेवा है। जब आप जैसे मंदिर की सेवा करते, मंदिर में जाके झाड़ू लगाए, मंदिर में पोछा लगाए, तो पत्थर की सेवा कर रहे हो कि भगवान की? हाँ भगवान की सेवा कर रहे हो ना, तो जब मंदिर में आप झाड़ू पोछा लगाते हो तो भगवान की सेवा है। तो आश्रम मेरा शरीर है, आश्रम की सेवा करते हो तो आश्रम मत समझो, आप गुरुदेव की सेवा कर रहे हो।
और मुझको ध्यान रहता है, मैं सब जानता रहता हूँ कौन कितना क्या करता है। बहुत बार बोलता नहीं हूँ, देख के भी अनदेखा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, नादानी है, बचपना है, लेकिन सब हमको ध्यान में रहता है। हमारे महोली का आश्रम अवधेश जी, डॉक्टर रेणु नहीं दिख रही, कहीं चली गई शायद। अब मैंने आपको बताया, ये हमारे भगवान को सजाने का काम करती हैं, ऐसा सजाती हैं महोली में। अवधेश जी आश्रम देखते हैं, ये हमारे भगवान को इतना सुंदर रखती हैं, तब भगवान इनको अच्छा रखते हैं, कितनी बढ़िया बात है। इनका पूरा घर और उस जगह जहाँ ये रहते हैं, उस नगर के ये बहुत सम्मानित व्यक्ति। आज की कृपा से आप भगवान का ध्यान रखोगे, भगवान आप पर कृपा करेंगे, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। जो भगवान के लिए करेगा, भगवान उस पर अनचाही कृपा बरसाते हैं, अनचाही कृपा बरसाते हैं। आपका, मैं दोनों कह रहा हूं, आपका लौकिक और पारलौकिक दोनों, बस वो चीज से बचना। मैं वही कह रहा हूं, वो कपड़ा ना आ जावे पारस पत्थर के ऊपर। चावल पकाओ लेकिन अंदर किनकी आ जाए तो चुभती है दांत में। चावल के अंदर अगर पकने में जरा से कमी हो गई तो एक किनकी जैसी आती है, ऐसे दबाओ तो किनकी जैसी लगती है, वो दांत में चुभती है। वो अहंकार रूपी किनकी ना आ जावे कि मैं ही खास हूं। इस बात से बचना, इस बात से बचना। मैं ही गुरु जी को मैं संभाले हुए हूं, इस बात से अगर बच जाओगे तो बच जाओगे, इस अभिमान से। हाँ, मेरे बगैर कुछ चलेगा नहीं। इस चित्तवृत्ति से आप उबर जाओ, समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं साफ साफ कहता हूं, मेरा कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम सारे नुकसान के परे हो चुके हैं। हाँ, सही अनुभव, मेरी अपनी अनुभूति है। आप आते हो, आओगे तो आपका अपना हित है, अपना हित है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आपके आने से मेरा फायदा भी नहीं है, दोनों बातें हैं, फायदा भी नहीं। आप सेवा करते हो, आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण। अब मैं क्या खाऊंगा, खाऊंगा भी तो क्या खाऊंगा, डॉक्टर ने मना कर दिया, घी वाली रोटी मत खाना, मिठाई भी मत खाना, अब क्या खाऊंगे। कपड़ा पहनने के लिए आप लोग कम से कम 4-6 रंग का पहन लेते हो, हम तो केवल एक ही रंग का, वो भी हमको याद भी नहीं कि कौन सा कपड़ा कितने रुपए मीटर मिलता है, देखा तक नहीं। दुकान उद्घाटन करने गए हैं कपड़े की दुकान का, फीता काटने गए हैं हम, हाँ, लेकिन खरीदने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती, आप लोग इतना कर देते हो तो मेरा क्या नुकसान होगा। जीवन की 3 आवश्यकता कहते हो ना, रोटी, कपड़ा और वो तो है ही, बीच में वो एक चित्त वृत्ति में आप करते हो, बहुत अच्छा है। हाँ, आपको जिस धरातल पर सेवा मिलती है, किसी को प्रकाशन में, पुस्तक के में, कोई अपना सत्संग के आयोजन में, कोई मंदिर की सेवा में, हमको ध्यान रहता है कि हाँ, एक कोई अंजू और स्मृति करके हमारे भगवान का कपड़ा बदलती हैं मंदिर में, हमको ध्यान रहता है। हमारी गैर हाजिरी में भी अगर कोई सेवा करता है आश्रम की, तो कैमरे में, आजकल तो कैमरे में मैं देखता हूं, इस हाल में आप बैठे हो मेरे मोबाइल में दिखाई पड़ता है, इस हाल में बैठे हो तो मेरे मोबाइल में दिखता है कि कितने लोग खड़ी हो और कितने लोग गप लगा रही हो और कितने सेवा कर रही हो। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाग की चाकरी उतना ही आशीर्वाद दे। तो आप भगवान की कृपा से खूब आगे बढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, मुक्त हो जाओ, बिल्कुल मेरा तो आशीर्वाद है। आपका जीवन आनंदमय हो, तनावपूर्ण मत जियो, सुखमय जीवन जियो, क्योंकि श्रुति कहती है वास्तव में दुख का कहीं नामो निशान नहीं है। दुख आपकी अज्ञानता से निकला है, अहंकार से निकलता है, ना समझी से निकलता है। आनंद में जियो। मैं, जो भी बाहर से लोग आए हैं, बहुत बाहर बाहर से, दिल्ली से भी आए हैं लोग, नंद किशोर आदि, रमेश जी वगैरह,
मेरठ से आए हैं बंसल जी वगैरह, दीपा जी, महोली से और लोग आए हैं, इलाहाबाद से भी आए हैं, अयोध्या से भी आए हैं, अयोध्या से भी कुछ लोग आए हैं हमारे, जहाँ से भी आए हैं, कानपुर से भी लोग आए हैं। मेरा सभी को आशीर्वाद है, सब लोग हाँ बम्बई से भी आई हो, लेकिन खाली हमारे लिए नहीं आई हो ये भी हमको पता है, कहीं शादी विवाह में आई थी। ओ गेहूं को हम पानी देते हैं, खतुआ को भी पानी लग ही जाता है, कहाँ है संतोष, अब हमसे नहीं छुप पाओगे। हाँ, तो जो भी है फिलहाल कोई और काम भी कर लिए हो, अब हमसे मत खुलवाओ मत सबके बीच में, बंबई से आए हो इतने बहुत है। है ना संतोष, सही है ना। लो संतोष मेरे वोट में गए, अब तुम क्या करोगी, संतोष तो मेरी तरफ वोट दे रहे। तो भोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारा आप सभी को आशीर्वाद है, बस एक बात याद रखना, मैं अंतिम बात कह रहा हूं इस आज के इस समय, एक बात याद रखना, अभी अभी शायद मेरे ख्याल में दिव्य चैतन्य और जगदानंद जी ने एक बात कहा था, हमारे लिए बोला था इन्होंने, और मुझको लगता है वो बात बिल्कुल सही है। मैं सरल हूं, उदार हूं कि कठोर हूं, क्या कहोगे? मैं अगर कोई प्रेम से श्रद्धा से मेरे सामने है तो मैं सरल से सरल हूं, ये आप लोग अपने अनुभव से देख लो, अपने अनुभव से देख लो। लेकिन जब अहंकार की किनकी आ जाएगी तो फिर मैं वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, किसका? भगवान राम का स्वरूप है। जिन सीता के लिए उन्होंने पुल बांध डाला होगा समुद्र पर, पूरा कुल का नाश करके ले आए, उन्हें सीता को त्याग करने में फिर देरी नहीं लगी, क्या समझते? जो परिवार मेरा अपना है, 16,108 रानियां, सबके 10-10 बच्चे, और अपनी नजरों के सामने सबके सब लड़के मर जाते हैं, दिल नहीं पसीजा कन्हाई का, दिल नहीं पसीजा, मेरे आराध्य कन्हाई हैं, मैं उस शिव तत्व स्वरूप हूं, जो सती से इतना प्रेम करते हैं एक क्षण में त्याग दिया तो फिर जो है, हाँ, सती का नहीं त्याग किया था, याद रखना। मैंने अभी एक जगह पर शिव पुराण सुना रहे थे तो मैंने सुनाया हरिद्वार में, सती का नहीं त्याग किया है, ये ही तन भेंट सती ही अब, नहीं सती का त्याग कर देते तो कैलाश क्यों लेके जाते, सती का त्याग करते तो मना क्यों करते, बिना बुलाए मत जाओ उसके यहां पे, सती का नहीं त्याग किया है, सती के साथ जो संबंध है उस संबंध का त्याग किया है। महाराज बात ये है, इन्होंने कहा था हम, हमारे लिए कहा था कि इनको प्रसन्न करना बहुत कठिन है, यही शब्द बोला था शायद, मैं बिल्कुल इस बात पर हूं, मैं आपके लिए बहुत उदार हूं, बहुत प्रेम है मेरा, लेकिन अगर जरा भी अभिमान आता है तो मैं चिढ़ जाता हूं, मैं अभिमान से चिढ़ता हूं, आपके अहंकार से चिढ़ता हूं, आपके जो है तमाम तरह के छल छद्म से फिर मुझको चिढ़ होती है। और उसके लिए फिर बीके सिंह याद आया ना, ये बीके सिंह तीन चार लोग बैठे थे तो किसी ने कहा, इन्होंने कहा स्वामी जी के दिल नहीं है पत्थर रखा है, इन्होंने कहा था दिल नहीं है पत्थर रखा है, तो एक दूसरी हमारी कोई शिष्या थी, उन्होंने कहा पत्थर नहीं ग्रेनाइट का पत्थर रखा है, पत्थर तो कभी कभी पिघल भी जाता है, इन्हीं के सामने की बात है, तुम भी थे क्या वहां पे, तुम भी थे, चंदोला जी भी थे वहां पे, तो ग्रेनाइट का पत्थर रखा है, ग्रेनाइट का पत्थर है आपके अहंकार से वो नहीं टूटेगा, आपके समर्पण से टूटेगा, आपकी विनम्रता से टूटेगा, आपकी सेवा से टूटेगा। आप जब तक ये बात कहोगे मैं ऐसा ठीक समझता हूं,
तुम ठीक समझते हो तो घर बैठो, घर बैठो। फिर आपको समझना है तो हमसे समझना है ना, हमसे समझना है। गुरु और शिष्य के बीच में अब जैसे भावना त्रयांश मैंने बताया किम केन कथम, ऐसे तीन गुरु और शिष्य के संबंध की तीन अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त तब गुरु भाव पूर्ण होता है जिसको आप कहते हो गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार को जो दूर करे तम, वो सब चीजें जो बार बार सुने हुए हो। तीन वृत्ति है तो आपके आपका गुरु शिष्य का संबंध निश्चित होता है। पहला निश्चय, मैं अज्ञानी हूं। आप अपने चित्त को टटोलो। अगर आपके मन में ऐसा है कि मैं भी कुछ जानता हूं तो फिर जो है वो संबंध ही नहीं बनेगा। धर्म सम्मूढ़ चेताः, मैं कैसा हूं हमको समझ में बात नहीं आ रही। धर्म अधर्म के विषय में मैं सम्मोहित तो हूं, मैं अज्ञानी। स्वयं को अगर अज्ञानी समझते हो, बच्चे को विद्यालय क्यों, अगर बच्चा पढ़ा लिखा होशियार है तो विद्यालय की जरूरत क्या है। विद्यालय जाना माने बच्चा कहता है कि अभी हमको ये विषय आता नहीं। दूसरी बात है, जिसकी शरण में जा रहे हूं उसको ज्ञानी समझो। ए तद ब्रूहि मम प्रभो, सामने वाला ज्ञानी है। अर्जुन कहता है आपके अलावा मेरे मन के संशय को कोई मिटाने में समर्थ नहीं है इस जगत में। दो वृत्ति अगर नहीं हुई तो गुरु भाव पक्का ही नहीं होगा, इसीलिए ज्ञान में देरी है। महाराज श्री कहते थे फूल मसलने में देरी है, ज्ञान में देरी नहीं। क्यों देरी? इसलिए क्योंकि बीच का भाव नहीं बन पाता गुरु शिष्य का। मैं अज्ञानी हूं, आप ज्ञानी हैं, और जब मेरी पात्रता होगी तो आप हमको ज्ञान का उपदेश करें। धैर्य चाहिए, जिसको गीता में भगवान ने सेवया शब्द कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। श्रुति ने कहा संवत्सरम, एक साल तक रहो मेरे आश्रम में, फिर बताऊंगा। किसी को कहा 32 साल तक रहो, धैर्य चाहिए। ये तीन वृत्ति अगर है तो गुरु शिष्य का संबंध पक्का होता है। ऐसी चित्त वृत्ति हो कि गुरु जी ने ये बात कह दिया तो उस बात को हम कर लेंगे, चाहे जो हो, चाहे घर के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो। कुछ लोग हैं गुरु जी ने इस बात को कह दिया तो पक्का। तो इतना भरोसा अगर कोई है कि गुरु जी ने कह दिया तो हमारे परिवार वाले इस बात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें। फिर आपके, फिर अगर ऐसा होता है तो आपके परिवार की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, उन बच्चों की भी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। कब? जब हमारी बात कोई मानेगा तब ना। और जब आप अपने मन के अनुसार चलोगे तो पूरा जीवन पड़ा है, 84 लाख जोनियों में आप आए हो, पूरा ये अनंत आकाश है। मेरा सभी को आशीर्वाद है, जाओ आनंद लो, कोई किसी के लिए मना थोड़े है। लेकिन अगर मेरी शरण में रहना है तो कम से कम मेरी बात को मानना है। समझ रहे हो कि नहीं आप बात? नहीं? अरे आज के करीब कितना साल हो गया होगा गोरखपुर में जब सत्संग कराया था, 15 साल हो गया होगा। तब योगी आदित्यनाथ जी जो है सांसद थे, मुख्यमंत्री वगैरह, तो जब वहां पर थे तो हमने वहां गोरखपुर में पहली बार सुना, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना। एक गोरखपुर की कहावत ही, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो आपको गुरुजी के आश्रम में रहना है, गुरुजी की शरण में रहना है तो गुरुजी है ना। कम से कम जिस पत्तल में खाओ उसमें छेद मत करो। हमारी संस्कृति एहसान फरामोश की संस्कृति नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हमने शुरुआत किया है कि हमारी संस्कृति, हम मरे हुए की पूजा नहीं करते। हमारी संस्कृति एहसान फरामोश की संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। हम सांप को भी दूध पिलाएंगे, जिसने चूहा को खाया तो मेरी फसल बची है। सांप को भी एक दिन दूध पिलाएंगे, जिसकी जिसकी कृपा मिली है उसके प्रति मेरा कृतज्ञता का भाव है।
तो कम से कम जिसका प्रेम मिले, जिसका ज्ञान मिले, जिसका अनुग्रह मिले, जिसकी शरण मिले, उसके प्रति कृतघ्न नहीं होना है। आप सब लोग आगे बढ़ो, सभी के लिए मेरी भावना है। हर जीवन में याद रखना वो तीन चीज, क्या, किसके द्वारा चलाए जा रहे हो, किसकी सलाह मान रहे हो, यही ना भाई। कैकेयी किसकी सलाह मानी थी, समझ में आना चाहिए, कैकेयी ने किसके द्वारा चलाई गई। अगर कैकेयी समझदार होती तो रात में कहती मैं जा रही हूं गुरुदेव वशिष्ठ से पूछती हूं, मंथरा जो तू कह रहे कि 15 दिन से राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, तूने यही कहा ना 15 दिन से तैयारी हो रही, राजा कपटी है, हम तुमको नहीं बताया, तो मैं अभी जाती हूं गुरुदेव के पास में और गुरुदेव से जाके पूछती हूं क्या ये बात सही है। समझ आ रही बात, नहीं गई ना। कैकेयी किसके द्वारा चलाई गई, मंथरा के द्वारा, जीवन पूरा का पूरा दुखमय हो गया। तो आप किम, केन और तीसरा था भूल गया मैं, कथम, कैसे, वो कैसे जब समझना हो तो सवेरे के सत्संग में आया करो, बस यही चीज है। बाकी सब लोग खूब जाप करो, पूजा करो, जाप करो, पूजा करो, साधना करो, और अब भंडारा खाना परसों भी आके खा लेना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।